एवरीवन, आज हम टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली कैट 2018 में पूछा गया है। अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, सम फिलिंग इट एंड द रेस्ट ड्रेनिंग इट। ऑल फिलिंग पाइप्स फिल एट द सेम रेट एंड ऑल ड्रेनिंग पाइप्स ड्रेन एट द सेम रेट। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर्स व्हेन 6 फिलिंग एंड 5 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। But this time becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining pipes are on. In how many hours will the empty tank get completely filled when 1 draining and 2 filling pipes are on? And the options are... ये question एक moderate to tough level का question है। इस तरह के questions CAT में previously कई बार पूछे गए हैं। 6 filling pipes और 5 draining pipes मिलके एक एम्प्टी टैंक को 6 आवर्स में फिल कर सकते हैं, ऐसे ही 5 फिलिंग पाइप्स और 6 ड्रेनिंग पाइप्स मिलके उसी टैंक को अगर वो खाली हो तो 60 आवर्स में फिल कर सकते हैं। हमें पता करना है 2 फिलिंग पाइप्स एंड 1 ड्रेनिंग पाइप मिलके एक एम्प्टी टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे। यहाँ हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं दैट जितने भी फिलिंग पाइप्स हैं दे फिल एट द सेम रेट और जितने भी ड्रेनिंग पाइप्स हैं दे ड्रेन एट द सेम रेट। ना फिलिंग पाइप्स का जो वर्क है उसे हम पॉजिटिव वर्क मान लेते हैं और ड्रेनिंग पाइप्स का वर्क हम क्या मान लेते हैं? नेगेटिव वर्क। तो यहाँ पर हम वापस इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं या इमीडिएटली आप इसको फिलिंग आर्स एंड ड्रेनिंग आर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम हर एक फिलिंग पाइप x यूनिट्स कंट्रीब्यूट करता है पर आर, ये पॉजिटिव है, और हर एक ड्रेनिंग पाइप y यूनिट्स निकाल सकता है पर आर। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, 1 पाइप x यूनिट्स पर आर कंट्रीब्यूट करता है तो 6 पाइप्स कंट्रीब्यूट करेंगे 6x यूनिट्स इन 1 आवर, तो 6 आवर्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा 6x इनटू x यूनिट्स का। ऐसे ही ड्रेनिंग वर्क जो है वो क्या होगा, 1 पाइप का ड्रेन वर्क है y यूनिट्स पर आर, तो 5 यूनिट्स का हो गया 5y यूनिट्स पर आर, तो 6 आवर्स में वर्क हो गया 6। ये वैल्यू माइनस होगी बिकॉज ये ड्रेनिंग पाइप्स है। सेम चीज अगर हम सेकेंड केस में अप्लाई करें तो 5x इंटू 60 माइनस 6y इंटू 60, दोनों ही केसेस में वर्क तो सेम है, हम इन्हें इक्वल कर देते हैं। सो 36x माइनस 30y इज इक्वल टू 300x माइनस 360y। 36x को उधर ले जाते हैं और 360y को इधर ले आते हैं और रीराइट करने पर ये हो जाएगा 264x इज इक्वल टू 330y या x ओवर y इज इक्वल टू 330 ओवर 264। यहाँ पर ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, ये हो गया है 165 और ये हो गया है 132। ये दोनों ही नंबर्स 33 से डिविजिबल हैं, 33 5 टाइम्स 165, 33 4 टाइम्स 132। दैट मींस हमारे पास में x और y का रेशियो आ गया है 5:4। तो अगर फिलिंग पाइप 5 यूनिट्स पर आर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ड्रेन पाइप 4 यूनिट्स पर आर उसको बाहर निकाल रहा है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के टर्म में इजीली बदल सकते हैं। लेट अस से यहां पर हम लिख देते हैं 5 यूनिट्स पर आर और यहां लिख देते हैं 4 यूनिट्स पर आर, तो हमारा वर्क कितना हो गया, 6 × 5 दैट इज 30 यूनिट्स पर आर सारे मिलके इनटू 6, तो 6 × 5 × 6 माइनस 5 × 4 × 6, ये हमारा टोटल वर्क आ गया है यूनिट्स की टर्म में। सो 30 × 6 ये हो गया है 180 माइनस 20 × 6 120, तो हम ये कहेंगे कि हमारा टोटल वर्क है 60 यूनिट्स। अब हम इस केस पे फोकस करते हैं, 2 फिलिंग पाइप्स का 1 आवर वर्क होगा 2 × 5 10 यूनिट्स, 1 ड्रेन पाइप का 1 आवर का वर्क है -4, तो नेट रिजल्ट हो गया है 6 यूनिट्स पर आर। टोटल वर्क है 60 यूनिट्स, पर आर वर्क है 6 यूनिट्स, तो आर्स रिक्वायर्ड कितनी होंगी, 60 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आवर्स।